खबर उधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्र चाकरपुर से, जहां इन दिनों देश भर में चर्चित पंजाब से फरार चल रहे मोस्ट वांटेड खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की धरपकड़ के लिए कई राज्यों के साथ अब उत्तराखंड पुलिस भी प्रदेश की सीमा से सटे इलाकों में कड़ी चौकसी के निर्देश जारी कर चुकी है। दरअसल उत्तराखंड जनपदों में उधम सिंह नगर की सीमांत खटीमा उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे होने के कारण अपराधियों की आवाजाही का केंद्र है और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की संभावित गतिविधियां उत्तराखंड की सीमाओं पर भी अनुमान के रूप में लगाई जा रही हैं और बारीकी से निगरानी के लिए सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग के साथ साथ धरातल पर खुफिया एजेंसियों और एसटीएफ को भी सीमांत जनपदों की सीमाओं पर विशेष निगरानी और स्पेशल अलर्ट का निर्देश जारी कर दिया गया है। इसी को मद्देनजर हुए कोतवाली खटीमा के अंतर्गत आने वाली चौक चकरपुर से के इंचार्ज जोशी रात को भी बस आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग करते नजर आए। चकरपुर चौकी इंचार्ज प्रियांशु जोशी ने मीडिया से रूबरू होते बताया कि इस वक्त टनकपुर के पूर्णागिरी धाम पर पूर्णागिरी माता का मेला चल रहा है, जिसमें काफी संख्या में भीड़ आ रही है। कहीं उस भीड़ में अपना वेश बदलकर अमृतपाल उत्तराखंड से नेपाल कुंडा निकल जाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे द्वारा रात दिन प्राइवेट वाहन टैक्सी गाड़ियां और बसों की चेकिंग की जा रही है और यह चेकिंग जब तक अपराधी हाथ नहीं लग जाते तब तक जारी रहेगी। देखिए, लगातार हमारे द्वारा की जा रही है। पिछले लगभग दो हफ्तों से हम लोग यहाँ चेकिंग कर रहे हैं। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार हर बॉर्डर पे, हर बैरियर पे हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं। है पंजाब से जो अमृतपाल और दो चार दोस्त लोग दोस्त हैं जो अभी वांछित चल रहे हैं, कई मुकदमों में वांछित हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई तो हम लगातार चेकिंग कर रहे हैं। इसमें दोनों चीज़ें कवर हो जा रही है हमारी। मेन उद्देश्य तो वो है ही हमारा अमृतपाल का, जो दूसरा उद्देश्य है ट्रैफिक वगैरह, ये भी हम लोग इसमें कवर कर ले रहे हैं।